हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी की मराठी लेसन नंबर 11, मीनू का जल प्रवास। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है डाइजेस्ट का आंसर, लेकिन क्योंकि वो ब्लर है थोड़ा कुछ पिक्चर्स उसके, इसलिए मैं वापस से बना रही हूँ, ठीक है? आपके बार बार कमेंट्स की वजह से कि मिस अच्छे से क्लियर नहीं है। एक चीज़ तो और है कि आप वीडियो को 480 रेजोल्यूशन पर देखा कीजिए, तभी वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। 480 आपको नहीं पता रेजोल्यूशन क्या होता है, कैसे बढ़ाते घटाते हैं, तो वो आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है? सो मीनू नाम की क्या होती है, छोटी सी एक फ़िश होती है, एक उसका नाम मीनू रहता है, ठीक है? तो वो क्या करती है, टूर करती है नदी से समुंदर में, ठीक है? और एक्सप्लोर करती है समुंदर को पूरा। तो उसे वहाँ पे एक कछुआ मिलता है, टर्टल, ठीक है, कासव, कासव दादा मिलता है और उसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देता है समुंदर के बारे में। ये लेसन में यही है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कठिन शब्द जो दिए गए हैं उसका मतलब क्या है। आप देख सकते हो पेबल्स होते हैं, गोटे, गोटे का मतलब दगड़, जो छोटी छोटी पेबल्स होते हैं जो पानी में रहता है, ठीक है? मासड़ी यानी एकदम छोटी सी फिश, लहान मासा। इवलिशी यानी एकदम छोटी, वेरी टाइनी, एकदम अगदी लहान। रुपेरी यानी सिल्वरन। तो अब आप यहाँ पे देखो इंग्लिश में सब दिया हुआ है उसका मतलब, ठीक है? मूसड़धार यानी जोर का, ठीक है? लोंडे यानी क्या होता है, पानी के प्रवाह में, पानी का जो इतना ज़ोर से लहर चलती है उसमें कैसे बह जाना, वो होता है लहर, पावरफुल करंट। गढ़ुल्ले का मतलब क्या होता है, माटी में सुन खराब जारे, मिट्टी पूरा मड़ी हो जाना, एकदम से मिट्टी मिट्टी हो जाना, ठीक है? अब इसी तरीके से यहाँ पे कठिन शब्द के मीनिंग दिए गए हैं, पूरा देख सकते हो। ये आपको अच्छे से देखना है। अच्छा, आपको नहीं समझा था कि वर्कबुक में कैसे लिखना है, तो आप अपने वो भी हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, किसी से भी। आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मैच कीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर अगर इसमें से अगर लगता है कि यही क्वेश्चन तो है जो मेरे वर्कबुक में है, तो उसका आंसर लिख लीजिए वही, ठीक है? ऐसे देखो कासव क्या होता है, ये कासव होता है टॉर्टोइस, ठीक है? घोड़ा मासा क्या होता है, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। केकड़ा क्या होता है, आपको पता ही केकड़ा हिंदी में बोलते हैं हम, क्रैब। अष्टभुजा मासा क्या होता है, ऑक्टोपस, जिसके 8 हाथ होते हैं। वाक् प्रचार व त्यांचे अर्थ फ्रेजेज और उसकी मीनिंग बताने हैं। नजरेयाण होने यानी कि दिखना नहीं, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, इनविजिबल। चूका मुख होने का मतलब होता है कि भेंट न घड़ने, भेंट नहीं होना, एक दूसरे से मिस हो जाना। गिरक्या घेरने का मतलब क्या होता है, ऐसे गोल गोल फिरना, गोल गोल चक्कर काटना, ऐसे ऐसे। चक्कर मारने का भी मतलब वही होता है, राउंड ऐसे घूमना। टक्कर होने यानी धक्का लगना। घाबर गुंडी उड़ने यानी क्या मतलब क्या होता है, पैनिक हो जाना, टेंशन में आ जाना, गुस्से, घबरा जाना। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स देखते हैं। देखिए मीनू मासोड़ी कुठे रहायची, तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है, मीनू मासोड़ी नदी मध्य माशंचा समूहत रहायची, मछलियों के समूह में रहती थी। मीनूला समुद्र का बागायचा होता, समुद्र में उसने क्या देखा, ये समुद्र जो था नदी की अपेक्षा बहुत बड़ा था, ठीक है? और इससे कैसे मीनू को समुद्र देखने का कुतूहल जागा, ठीक है? नदीचे पानी गरुड़ का जाले, वो नदी का पानी मिट्टी मिट्टी जैसा क्यों था, तो एक दिन क्या होता है बहुत पानी गिरता है और ज़मीन क्या था, ज़मीन में कैसे जोर जोर से ऐसे लहरें होने लगती है, और इसलिए नदी का पानी क्या होता है, पूरा मटमैला हो जाता है, ठीक है? खड़कावर फुलेलिया फुलांचे रंग कौनते होते, तो यहाँ पे देखो लाल, गुलाबी, अंजीरी, ये खड़कावर फुलेलिया फुलांचे रंग होते। समुद्राचा खोलवर अंधार का अस्तो, तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि समुद्र के तल में एकदम नीचे प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसीलिए समुद्र में कैसा होता है, अंधेरा होता है। लेखिका ने कैसे नदी का वर्णन किया है, तो देखो नदी में खूब पानी होते, नीले नीले, ठंडा पानी, स्वच्छ पानी होते। नदीचे पानी इतने स्वच्छ होते कि जो इतना स्वच्छ होता है नदी का पानी कि उसके तल भी दिखते हैं, जो गोल गोल दगड़ है उसमें, जो गोल गोल पत्थर है, छोटे छोटे जो पेबल्स हैं, ठीक है? छोटी छोटी मच्छियाँ भी दिखती हैं उसमें। मीनूची व आईची चुका मुक्का जाली, तो यहाँ पे देखो मूसलाधार पानी बरस रहा था, बारिश हो रही थी, तो नदी का पानी कैसा हो गया, गड़ुले हो गया, यानी कि मिट्टी जैसा हो गया, मतलब मटमैला हो गया, तो सारे जो फिश थे वो कैसे डर गए, यहाँ वहाँ पैनिक हो गए, मतलब घबरा गए।
और एक दूसरे को ढूंढने लगे, कौन किधर था वो दिख नहीं रहा था, इतना गंदा पानी हो गया था, तो पानी का वेग बहुत तेज़ था, ठीक है। और इसी में क्या हो गया, मीनू की आई से वो बिछड़ जाती है। घोड़ा मासा पाहुन मीनूला का आंसू वाले, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, तो घोड़ा मासे के जो तोड़ थे वो घोड़े जैसे था, और उसका पोट में उसके पेट में एक पिशवी थी, थैली थी, जिसमें छोटे छोटे उसके बच्चे थे, ठीक है। हे सारे ध्यान पाहुन मीनूला हंसू असली, ये देख के उसको हंसी आ जाती है मीनू को। वीडियो पॉज करके लिख लेना आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कौन कुणास केवा मरण, किसने किससे क्या कहा, वो यहाँ पे दिया गया है। समुद्र समूह मरता तो आला की असे मीनू सता शीश मनाली जेवा मिलू, आंसर देखो दिया गया है, पूरा दिया गया आंसर यहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं हम आगे, सारे आंसर आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। वीडियो पॉज करके सारे आंसर लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिमला मध्य मोती कैसे तैयार होते हैं, शिप में एक शिप के बीच में मोती कैसे तैयार होता है वो आपको बताना है। मोती तैयार होने अच्छी क्रिया, दो शिप क्या होते हैं उसके उसके पेट में क्या होते हैं, दो शिप होते जो शेल होते हैं ना उसमें क्या होते हैं कि एक मांस होते हैं, ठीक है, छोटा सा गोल एक कीड़ा होता है, और त्याला चराचे हस्ते चलता फिरता रहता है, तेवा तो फटी तुन पाए बाहर काढ़ चल तो, ठीक है। या शिमला चुकुन एखाद वाड़ूचा कभी उसमें एकाक बालू का कड़ चला जाता है जो उसे टोचने लगता है, तो कीड़ा क्या होता है अपना आंगुन पातल रस कारण तो अपने अंग से पतला रस निकालता है, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है फिर अधिक से ज़्यादा रस उससे निकलते रहते हैं, कालांतराने त्यातुन छानसा मोती तैयार होता है, और बाद में वही सुंदर सा मोती तैयार होता है उसके मरने के बाद, ठीक है, और कीड़ा ख़त्म होने के बाद। चार से पांच लाइन में बताना है घोड़मासा और खेकड़ा के बारे में, तो घोड़मासा के बारे में तो उसके बारे में यहाँ पे देखो दिया गया है। घोड़मासा कैसा होता है, जो घोड़ा जैसे मच्छी होता है वो कैसा होता है, वो विचित्र होता है, ठीक है। उसके पेट पेट मतलब जो उसका दिखने में कैसा होता है घोड़े जैसा ही होता है, और उसके पेट में एक थैली जैसी होती है, और उस थैली में छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं, और इसका रंग पीला होता है इस घोड़ा का, ठीक है, घोड़मासा का, और वो समुद्री घोड़ा उसको बोलते हैं, ठीक है। आंसर ध्यान से देख लीजिए, खेकड़ा कैसा होता है, खेकड़े अच्छे डोड़े बटबटी तस्तात, आंसर देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखो इवली, इसका आंसर क्या होगा, लहान, इवली का आंसर लान, देखो यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखे तो यहाँ पे देखो इवली ये ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और लहान ये रहा लहान किस पे, अब गरम ये रहा गरम, गरम का क्या होगा विरुद्धार्थ समानार्थी, गरम का उष्ण, यहाँ पे उष्ण, दूर दूर का क्या होगा समानार्थी लांब, दूर लांब, मोटे मोटे का क्या होगा प्रचंड, आया आंसर। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ऐसा ही आंसर यहाँ पे भी है, ढूंढ ढूंढ के इसी में से आपको इधर बनाना है, ये विरुद्धार्थी है एक दूसरे से अपोजिट, ठीक है। इवलिशी, इवलिशी का मतलब यहाँ पे देखो इसके जो इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं, एवढ़ीशी लहान सी थोड़ी सी छोटी सी, यानी इसका मतलब है स्मॉल बहुत छोटी सी। अब इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है मीनू, इसका आंसर क्या आएगा, छोटी सी थी, पानी कैसा था खारट था, डोड़े कैसे थे बटबटी थे, पाउस मूसलाधार, वही आंसर यहाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो। कोई अगर ऐड आया तो उसे देख लीजिए, स्किप मत कीजिए उसे,
ठीक है, इससे आपके इस चैनल को हेल्प होगी ग्रो करने में, ठीक है। सो आपका ही चैनल है, आपको सपोर्ट करना है, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, जो भी वीडियो आप डिमांड करते हो फटाफट आपको सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं ना, उसी तरीके से आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, वीडियो को फ्रेंड्स साथ शेयर करके। ओके, अब सबका आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है, इसमें क्या आएगा, इसका आंसर ये रहा, और यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है। सेकंड का आंसर क्या आएगा, चुकामुख जाली, तो चुकामुख कहाँ पे है, ये रहा चुकामुख होने, ठीक है। तो वही आंसर यहाँ पे दिया गया है, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वही आंसर यहाँ पे उसके नीचे दिया गया है। मैं दोनों आपको आंसर क्वेश्चन साथ में दिखा दिया मैंने। आपको कोई भी, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछा गया है या फिर आपके वर्कबुक में लिखना है और आपको नहीं पता, तो आपको जस्ट क्वेश्चन टाइप करना है, आपने पेरेंट्स से बोल देना है टाइप करने के लिए, किसी फ्रेंड से बोल देना है, बता देना है आपको, मैं उस पर वीडियो शॉर्ट में बना के भेज दूँगी, ठीक है। आगे के भी वीडियोज़ मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि पहले के वीडियोज़ थोड़े ब्लर हैं और आपके कॉमेंट्स आ रहे हैं बार बार वीडियोज़ बनाने के लिए वापस से, ठीक है।